दिल्ली दौरे पर रहे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। आपको यह भी बता दें कि बाढ़ से हिमाचल में हुए नुकसान पर चर्चा की गई है। नितिन गडकरी को नुकसान से अवगत भी करवाया है और साथ ही साथ मुलाकात के बाद सूर्य समाचार से खास बातचीत की। और नितिन गडकरी हिमाचल आकर करेंगे दौरा, ये जयराम ठाकुर ने कहा है। जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सरकार पर पक्षपात के आरोप भी लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और बाढ़ से हिमाचल में हुए नुकसान पर दोनों के साथ चर्चा की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में भारी नुकसान हुआ है उसको लेकर अवगत भी करवाया गया और इसके बाद सूर्य समाचार से खास बातचीत की। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में नितिन गडकरी से मुलाकात की है और हिमाचल में जो नुकसान हुआ है बाढ़ से उसके बारे में जानकारी दी है। जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सर, क्या क्या जानकारी आप नितिन गडकरी जी को दे के आए हैं और क्या कोई आश्वासन मिला है कि क्या उसको दूर किया जाएगा जो समस्या आई है? देखिए, हिमाचल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने कहा कि केंद्र मदद कर रहा है और अच्छा होगा कि अगर मंत्री जी खुद हिमाचल प्रदेश में आए, विजिट करें। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और उस दृष्टि से मैंने निवेदन किया है और उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, हिमाचल प्रदेश आऊँगा और आकर के जायजा भी लूंगा और जो उस वक्त मदद करने की जो स्थिति होगी वो मदद भी करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से एक फंड भी जारी किया गया हिमाचल को लेके, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि हिमाचल में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, ये फंड बहुत कम है। ये स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के प्रदेश सरकार का कहना, उनको लगता है कि भाजपा की सरकार है इसलिए जितना मर्जी कहें, नुकसान तो ज़्यादा है, इसमें दो राय थोड़ी हम कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, केंद्र मदद कर रहा है। जो उनका बार बार कहना है कि मदद नहीं हो रही है, मदद जब 364 करोड़ रुपए अभी तक जारी कर दिए तो मदद हो रही है और स्वाभाविक रूप से आने वाले समय हिमाचल प्रदेश में जो टीमें गई हैं जो नुकसान का जायजा लेने के लिए, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही उसके बाद होगी। तो थोड़ा संयम करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, इस बात को लेकर उनको सोचना होगा। और लेकिन जो मदद मिल रही है उसके लिए तो कम से कम उनको कहना चाहिए कि भी मदद मिल रही है। सर, हिमाचल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि जो हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो कुछ अलग कहती हैं, मुख्यमंत्री कुछ अलग कहते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ तालमेल हरियाणा हिमाचल कांग्रेस के संगठन में और हिमाचल सरकार में नहीं दिख रहा है। देखिए, तालमेल की तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक उदाहरण के रूप में आप जैसे कह ही रहे हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा से मिलती हैं, खड़गे जी से, और उनको शिकायत करती हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमें ना पूछा जा रहा है, जबकि वो सांसद भी हैं और प्रदेश की अध्यक्षा भी हैं। तो ऐसी सूरत में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ पर, बाकी लोगों की हालत क्या होगी। मंत्री खुलेआम पत्रकार वार्ता करके जो है वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, हमारे बोलने की गुंजाइश ही नहीं रही, हमारे बोलने की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। तो इसलिए जो स्थिति बनी है कांग्रेस पार्टी की इन 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, वो सब सबके सामने है और जग जाहिर हो गई है उनकी अंदर की लड़ाई। तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल में जो बाढ़ आई है उसमें केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है, लेकिन राज्य सरकार वहाँ पे जो मदद कर रही है उसमें पक्षपात कर रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति से उठकर सबकी मदद करने की बात जयराम ठाकुर ने कही है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।